वक्त बड़ी खबर आ रही है चुरू से, राकेश टिकैत की किसान महापंचायत वहां चल रही है। टिकैत के समर्थन में खुलकर उतर चुकी है कांग्रेस। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रामेश्वर डूडी, कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुड़ानिया, कृष्णा पुनिया वहां मौजूद है। आपको बता दें कि कुमरेड विधायक बलवान पुनिया और गिरधारी लाल महिया भी मंच पर मौजूद है। कांग्रेस नेता और विधायकों ने किया राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत। केंद्र सरकार पर बरसे हैं नेता रामेश्वर डूडी और विधायक कृष्णा पुनिया, और उन्हीं के साथ सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत को किसान नेता कहा जाए या कांग्रेस नेता, ये अब किसान भी भ्रमित हो गया है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है। चूंकि अब तक तो किसानों का आंदोलन था, ये महापंचायत को संबोधित कर रहे थे या कांग्रेस पार्टी की रैली को, ये बड़ा सवाल है। चलिए जल्दी सुन लेते हैं राकेश टिकैत क्या क्या रहे हैं वहाँ। आटा भी क्या 13 रुपए किलो और आटा 65 रुपए का रेट है, इसलिए नहीं एमएसपी में कानून बनाना चाहते क्योंकि लुटेरों की सरकार है, ये लुटेरों का बादशाह है, लुटेरों का बादशाह। और आपकी आपको साबित करना है कि ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित हो। यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी रियासतों के खिलाफ, यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, यहाँ पे जो क्षेत्र है लिखा हुआ कुंभाराम आर्य जी, इनकी किताबें पढ़ी है, इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, किसानों के पक्ष में फैसले लिए, यहाँ पर बहुत आंदोलन हुए, वो पानी के आंदोलन हो, वो जमीन बचाने के आंदोलन हो, रियासतों के खिलाफ आंदोलन यहाँ के लोगों ने करे, यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत गहरे गड़े हुए हैं। एक नई कौम को ईजाद करना होगा अगर राजस्थान को जिंदा रहना है। कोई भी आपका मंच हो जब आप किसान संगठन की मीटिंग करो, उसमें दो चीजों का हमेशा अगर ध्यान रखोगे तो राजस्थान का किसान बचेगा। एक तो पॉलिटिक्स की बात मत करना और दूसरा किसी जाति की बात मत करना, एक नई बिरादरी को जन्म दो, उसका नाम होगा किसान। हमें नहीं पता रहता उत्तर प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश में बहुत जगह जब जाते हैं ये कौन पदाधिकारी किस जाति का है, लेकिन राजस्थान, कुछ बेल्ट हरियाणा, कुछ मध्य प्रदेश में कुछ जगह निकलती है ये किसान बिरादरी एक है। टिकैत साहब का ये था कि वो हुक्का भी एक पीते थे, सबका इकट्ठा ही पीते थे, आप हुक्का हुक्का एक कर दो, ये निमट जाएगा, सब निमट जाएगा, केस आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ जाएगी, प्यास आती अपना अलग कर लेना, लेकिन होका पानी जरूर एक कर लो। सारे खेती किसानी वाले लोग हैं, दिल्ली के कानून बहुत सख्त बना दिए उन्होंने, अभी तो बिजली अमेंडमेंट बिल है जिसमें वापसी की उन्होंने बात करी, अगर किसी के पास में दो गायें या दो भैंसे होंगे, दो ऊंट होंगे, तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको, ये नहीं अभी आपको जानकारी। सीड मिल आ रहा, बीज का कानून आ रहा है देश में, उसकी बीज की पुलिस बनेगी अलग से। अगर आपने कोई कंपनी का बीज बो दिया और किसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी, दो मुट्ठी बीज, एक किलो बीज आपके खेत में बगा दियो, और जब आपके वो पेड़ उगेंगे, वो कंपनी आएगी कि मेरा बीज इसके खेत में है, तो आपको पुलिस आपके खिलाफ केस रजिस्टर करेगी, आप पे जुर्माना सजा दोनों है उसमें, ये कानून भी लाइन में है। उन सब के खिलाफ ये लड़ाई है, ये लड़ाई एक नया कॉन्सेप्ट चला, व्यापार, व्यापार चला है, सोने का व्यापार नहीं अब होने वाला। जो हमारी माताएं, जो बहनें बैठी हैं, ये 17 बार एक सोने का इस्तेमाल करती हैं, एक साल में 17 बार उसको पहनती है, लेकिन जो भूख लगती है वो 700 बार लगती है एक साल में। तुमने कहा है कि भूख पे व्यापार करेंगे, अनाज को तिजोरी में बंद करेंगे, उनको कोठियों में बंद करके ऊपर ताले लगाएंगे, चाबी बंबई और विदेशों में रहेगी उसकी चाबी, रोटी बाजार की वस्तु होगी, रोटी को तिजोरी में बंद होगी, जो गरीब आदमी है रोटी के लिए तरसेगा। आपको भूख कितनी लगी है किस टाइम पे, उसी टाइम पे रोटियों की कीमतें तय होगी, ये
देश में नया व्यापार आया है। किसान भी मरेगा, जो कंज्यूमर है वो भी मरेगा, शहर के लोग भी बर्बाद होंगे पूर्ण रूप से। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, किसान भी बर्बाद होगा, आम जनता भी बर्बाद होगी। पेट्रोल के क्या रेट है, दूसरी चीजों के क्या रेट है, डीजल के क्या रेट है, इसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। इसकी तरफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आम जनता की लड़ाई है, नाम इसमें किसान और मजदूर का है। इसमें व्यापारियों को भी बर्बाद करेंगे। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। बाहर की कंपनी आ रही, वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, उनका पहला टारगेट है कि साप्ताहिक बाजारों को बंद करा जाए। 4.5 करोड़ लोग बर्बाद होंगे, वे कहां जाएंगे? जो हमारा नौजवान है, रोजगार छिन रहे हैं पूरा। लेकिन हमको उम्मीद है कि जिस हिसाब से नौजवान आंदोलन में आ रहा है, ये अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है, ये रोटी बचाने का आंदोलन है। अगर आप आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो ये जमीनें जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाएंगी, दूसरी चीजों के माध्यम से जाएंगी। अगर अपनी जमीन बचानी है तो नौजवान को अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करना पड़ेगा। जब तक वो अपने खेत की मिट्टी को अपने गांव के, अपने घर के मंदिर में नहीं रखेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा, वो जमीन बेचेगा, वो इस जमीन को ठेके पर देगा। तो अपने बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट अपनी जमीन से करवाओ, ये आंदोलन का हिस्सा होगा। ये खबरें नहीं जाती, जो हमारे विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ऊंट गाड़ियों से आंदोलन चला, संयुक्त मोर्चे के यहाँ पे है हमारे बहुत संयुक्त मोर्चे के लोग, मतलब ऊंट गाड़ी से आंदोलन हुआ, 250 से ज्यादा ऊंट गाड़ियां यहाँ पे चूरू शहर में निकला आंदोलन, ट्रैक्टरों से आंदोलन निकल रहे हैं, विदेशों में लोग ट्रैक्टरों से आंदोलन कर रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की धरती पे गए, मोर्चे दिल्ली की चारों तरफ को लगे हुए हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का है, और वे ट्रैक्टर होंगे जो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते। अगर आंदोलन फेल होता है तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका तोड़ा जाएगा, डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट आपका तोड़ा जाएगा। या किसी किसान की हैसियत है कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद ले? या 20-20 और 30-30 साल पुराने भी ट्रैक्टर होंगे। हमने वो ट्रैक्टर जो चलवाए, वो ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चला। ये ट्रैक्टर फेल चलेगा, ये ट्रैक्टर जो भी आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी, पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे हम। इन्होंने कहा कि बंगाल की क्यों बात करते हो, झारखंड के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहां से ट्रैक्टर जाने की जरूरत नहीं, झारखंड से 2000 ट्रैक्टर बंगाल में जाएगा, जाएगा ये ट्रैक्टर लेकर किसान बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है, ये ऊपर खापड़ रहते दिलों को तो। चूरू में आप सुन रहे हैं राकेश टिकैत को, चूरू की पंचायत में राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसानों को कहा है कि एकजुट हो जाओ, जमीनें तुम्हारी छीन ली जाएंगी, तुम्हारे ट्रैक्टर तोड़ दिए जाएंगे 10 साल पुराने, तुम्हारे पंपिंग सेट 10 साल पुराने तोड़ दिए जाएंगे, इसलिए ये समय है एकजुट होने का, आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो जमीनें छीन लेगी सरकार। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं राकेश टिकैत। रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रौनक देखिए किस तरीके से भड़काऊ बयान राकेश टिकैत देते हुए नजर आए हैं, आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो जमीन छीन ली जाएगी, ये धमकी भी है और भड़काना भी है। आपकी एक नजर गांव के खेत पर रहनी चाहिए, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए, और तीसरी नजर जब संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं, भारत सरकार उन कमेटी से बात करें। रौनक से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ा तो उसकी जमीन पूरे देश ले ली जाएगी, आंदोलन से जुड़ना जरूरी होगा। चलिए हमारे साथ श्वेता और नेहा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, हम रौनक का भी रुख करेंगे चुरू में। लेकिन देखिए श्वेता और नेहा,
यहां पर राकेश टिकैत आए हैं चुरू में किसानों से बातचीत करने, उनको संबोधित करने, कह रहे हैं कि ये कानून आपसे आपकी जमीन छीन लेगा। ये बात तो संसद में सरकार ने पूछा, तमाम नेताओं से कहां लिखा कोई बता नहीं पाया, फिर भी राकेश टिकैत किसानों को फिर से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रत्युष, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम बात करें कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को किस तरीके से पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं, उन्होंने खुद मन से ये कबूल किया है कि झारखंड में जाके हमने वहां की सरकार और वहां की जनता से बात की। जनता कौन, जबकि वही झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के कृषि मंत्री है, उनके द्वारा पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा की गई थी, उनके द्वारा सभी लोगों को बुलाया गया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, वहीं पे उनके द्वारा ट्रैक्टर बुलाया गया था और वही ट्रैक्टर रैली को उन्होंने स्वरूप दे दिया कि झारखंड में भी किसानों के लिए ट्रैक्टर रैली हुई है। अगर वही रैली यहाँ क्यों नहीं हो रही है जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बिहार में उतनी बड़ी रैली हुई, क्यों नहीं और तमाम बिल्कुल चुरू में भी नहीं, जहाँ वो मंच पर मौजूद है वहां पर कांग्रेस के विधायक भी हैं और हमने वो पोस्टर भी दिखाया। ये तमाम पोस्टर जो बार बार उसी चुरू वहां मंच से कह रहे हैं कि आप राजनीतिक पार्टियों को या राजनीति की बात इस मंच से ना करें। अरे कैसे ना करें, आप खुद वैसे विधायकों के साथ, कांग्रेस के विधायकों के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं और आप दूसरों को भरमा रहे हैं। ये कैसी आप राजनीति करने को उतर आए और आप किसानों का मसीहा अपने आप को बता रहे हैं। ये है दोहरा चेहरा राकेश टिकैत का। देखिए झारखंड की बात नेहा ने की, झारखंड के बाद चुरू, राजस्थान में किसकी सरकार, यानी जहां जहां कांग्रेस की सरकार हो, या फिर पंजाब में जहां से शुरुआत राहुल गांधी ने खुद की थी ट्रैक्टर चला के, केरल में भी अभी तस्वीर देखने को मिली थी। नेहा श्वेता बने रही है आप हमारे साथ, रमन का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। रमन देखिए, आज मंच है कांग्रेस का, राकेश टिकैत विराजमान है और जो कुछ भी कह रहे हैं राकेश टिकैत, मतलब मान लिया जाए कि जो स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी वही बता रहे हैं, वही पढ़ के सुना रहे हैं किसानों को। रमन देखिए बिल्कुल प्रत्युष, लगातार ये बात हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन रहा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बेहद हावी हैं लोगों की और यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जो नेता है उसका जो जगह है वो खाली बनी हुई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत वक्त से कोई किसान नेता सामने आया नहीं है, तो इसीलिए ये लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए किसान आंदोलन पे बात नहीं होती है, एमएसपी पे बात नहीं होती है, ना ही किसी के बड़े हुए बिजली के बिलों पर बात होती है। जो बात होती है वो इस बात पर होती है कि सरकार की नाक तोड़ देंगे, सरकार का मुंह तोड़ देंगे, या फिर हम ये करेंगे, या फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी वही भड़काने वाली बातें होती हैं। और इसीलिए 26 जनवरी से पहले भी उन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे, इसी तरह के भड़काऊ बयान दिए थे, और उसके बाद जब उत्पात हुआ तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, यानी अपना चेहरा चमकाने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो हर वो चीज कर रहे हैं जो इस वक्त उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको नाम दे रहे हैं किसान आंदोलन का। और राजनीति तो चलिए, रमन बने रहिए हमारे साथ। पंचायत में टिकैत ने किसानों को एक बार फिर से भड़काया, अगर आंदोलन से नहीं जुड़े तो जमीन छीन लेगी सरकार। सुनिए क्या कहा है राकेश टिकैत ने। ये अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है, ये रोटी बचाने का आंदोलन है, अगर आप आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो ये जमीनें जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाएंगी, दूसरी चीजों के माध्यम से जाएंगी। अगर अपनी जमीन बचानी है तो नौजवान को अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करना पड़ेगा। जब तक वो अपने खेत की मिट्टी को अपने गांव के, अपने घर के मंदिर में नहीं रखेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा, वो जमीन बेचेगा, वो इस जमीन को ठेके पर देगा। तो अपने बच्चों का कॉन्टेक्ट अपनी जमीन से करवाओ, ये आंदोलन का हिस्सा होगा। चुरू में किसानों को लगातार धमकाते और भड़काते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि ये कानून अपनी जमीन छीन लेगा आपकी और अगर आपको जमीन बचानी है तो आंदोलन से जुड़ना होगा। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, एक बार जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।